गवर्नर साहब ने नोटिफाई किया, सरकार ने एक संस्था को लीज पर दी और उसी को ही एक मुद्दा बना करके सरकार ने वापस लेने की संस्था ने उसे गंभीरता से कहां लिया। उसका जो चार्जेज हैं वो जब दो साल जो उसकी शर्तें थी, चाहे उसकी फीस भरनी थी तो वो नहीं भरी, तो जाहिर सी बात है आप कानून नियमों की अवहेलना करेंगे। ब्राह्मणों का नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा को बनना है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के जय हिंद हैं वो लीड ले रहे हैं, ब्राह्मणों के नेता बनते जा रहे हैं, अचानक कूद पड़े हैं, उससे पहले तो ध्यान नहीं आया अरविंद शर्मा जी को। किसका, जमीन का? हाँ, जमीन की तो बात, जमीन की तो जो हमारे साथी हैं वो बहुत पहले से बात कर, जो मेरे पर्सनल साथी, मैंने नहीं, आप बात नहीं सुन, मेरे मैंने जो है जो नाराजगी है आपकी जो सामने आ रही है ये पार्टी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, अफसरशाही के खिलाफ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ, सेवा ही संगठन मेरे खून में कूट कूट के भरी हुई है और मोदी जी के नेतृत्व में मुझे कोई डाउट नहीं है और देश को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। अभी नहीं, लगातार कई सालों सालों तक भारतीय जनता पर पार्टी आपको, की एक मिनट, जरूरत नहीं लग रही है भारतीय जनता सेवा ही संगठन मैंने बताया 1996 में निर्दलीय चुनाव जीता, लड़ा लोगों के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, जीता मैं। मेरे खून के एक एक बूंद में सेवा ही संगठन है और मैं सेवक हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, ना मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं तो सेवक ही रहना चाहता हूँ। एक ही मुद्दा तो उठाया, ब्राह्मण को जमीन नहीं दी जा रही, यही तो मुद्दा उठाया। हाँ। आप 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, और मुद्दे बताइए और बिरादरियों के लिए उठाइए। एक बात सुनो, 36 बिरादरी डेवलपमेंट के कामों में आप देखिए ना, यही तो हुड्डा साहब का गढ़, एक बार सुनो, और वहाँ से आप जीतते हैं, रोहतक की जनता आपको एमपी बनाती है, रोहतक एक पॉलिटिकल, रोहतक को तो कुछ नहीं मिला ना आपकी तरफ से, एक पॉलिटिकल कैपिटल है। आपने बोला ना अभी जो शुरुआत करने से पहले कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है। हाँ, वहां से आप सांसद हैं, वहां से सांसद हैं। हाँ। लेकिन इस पर गौर करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं, मेरी लड़ाई है। कुछ महीने पहले की बात है। हाँ। जब आपने कहा कि मनीष ग्रोवर के लिए जो आंख उठेगी वो आंख निकाल ली जाएगी, जो हाथ उठेंगे वो हाथ काट दिए जाएंगे, आखिर 6 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि वो व्यक्ति? देखिए सोलंकी जी, ऐसा है, समय की बात होती है। मनीष ग्रोवर पार्टी का कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मैंने वो आवाज़ एक कार्यकर्ता के लिए उठाई थी।